फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन डेली बेस पे हम जो जी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम डिस्कस जहाँ पे करते हैं वट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर तो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा सेल्सियस एम्पेयर कैलविन या कैंडेला जो टेम्परेचर है टेम्परेचर से यूजली हम मेज़र किससे करते हैं थर्मोमीटर से करते हैं लेकिन थर्मोमीटर जो स्केल होता है उसमें सेल्सियस होता है फॉर्न हाइट होता है कैलविन होता है ये सब यूज़ किए जाते हैं जो एसआई SI यूनिट है टेम्परेचर का इंटरनेशनल सिस्टम में वो कैल्विन है और जिसका यूनिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल के साथ जो कैलविन है वो एस SI यूनिट है टेम्परेचर का और कैलविन को हम बात करें यानी कि वो फ्रैक्शन है वन बाई टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स ठीक है ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ठीक है ये आपने याद रखना और जो करंट है इसका एम्पेयर यूनिट है एम्पेयर करंट का यूनिट है उसके बाद कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सेल्सियस टेम्परेचर का हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट का हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इट्स टर्मिनल ला ऑफ चार्ज रेडिएशन ला ओम्स ला या जोल्स ला तो ये कौन सा हो जाएगा ओम्स ला ओम्स ला क्या स्टेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट थ्रू अ मेटेलिक वायर यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ठीक है ओम्स ला हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग क्रिएचर यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैरी प्रे अब देखिए बात करते हैं हम जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है ट्वेंटी से हंड्रेड किलो हर्ट्स के बीच रहती है ठीक है यानी कि जो ह्यूमन एयर होता है वो ट्वेंटी हर्ट से लेके ट्वेंटी थाउजेंड किलो हर्ट्स तक सुन सकता है तो जो अल्ट्रासोनिक होती हैं जैसे बैट्स हो गए ठीक है बैट्स कैच करने के लिए नाइट को प्रे में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पैरा पैराडिगज ऑफ बायोलॉजी ठीक है मैंडल द आर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपेरेटिव या ड्रॉविन थ्योरी तो जो आर्ची प्रिंसिपल है वो एक पैराडिगम नहीं है बायोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का आर्की ठीक है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बट एनेबल एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए सर्किट तो जो करंट एक फ्लो करती है सर्किट में वो किसकी वजह से फ्लो करती है मोशन ऑफ न्यूट्रॉन मोशन ऑफ पॉजिट्रॉन मोशन ऑफ प्रोटॉन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका सही आंसर आपने बताना है तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होती है फ्लो फ्लो करती है एक सर्किट में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हेन द टेम्परेचर इस इंक्रीज जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर हैज़ द सेम डायमेंशन एज द एनर्जी सेम डायमेंशन ऑफ एनर्जी का किसका रहता है इम्पल्स फोर्स वर्क या किसी का भी नहीं इनमें से बात करें जो ऑप्शन थ्री है वर्क का वर्क और एनर्जी का सेम ही डायमेंशन हो जाता है इम्पल्स यानी कि फोर्स इंटू टाइम उसके बाद फोर्स मास इंटू एक्सल्रेशन वर्क वर्क आ जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस ठीक है वट डस अ लक्स मीटर मेजर लक्स मीटर से हम क्या मेज़र करते हैं जाने कि जो ये यूज़ करते हैं हम फोटोग्राफी में लक्स मीटर को लाइट मीटर भी हम बोलते हैं ठीक है और जो मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ठीक है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द सडन फॉल इन बैरोमीटर इंडिकेट्स से इंडिकेट्स क्या करता है बैरोमीटर जब फॉल होता है हाई टाइड क्लियर वेदर स्ट्रॉग या रेन तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो मेज़र करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है क्या मेज़र करता है वो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंडिकेट क्या करता है इंडिकेट वो हमें कर देता है जानी कि इसकी रीडिंग जब होती है ये फॉल करती है और स्ट्रॉन्ग की ये इंडिकेशन हमें देता है ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग के लिए ऑडिबल साउंड रेंज है वो कितनी है अब ऑडिबल जो साउंड रेंज है ह्यूमन बींग के लिए वो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड किलो हर्ट्स के बीच हो जाएगी ठीक है तो इसका सही आंसर हम बोल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर वेन ब्रेक इज अप्लाइड इन ए बाईसाइकिल द ब्रेक पैड टच द व्हील नाउ वट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द व्हील द फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड द रिम द ब्रेक पैड फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्टॉप मूवमेंट मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैड एंड द रिम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पैड एंड रिम जब ब्रेक अप्लाई होती है ब्रेक अप्लाई होने की वजह से जो गाड़ी है वो क्यों स्टॉप हो जाती है इसमें जो फ्रिक्शन की फोर्स आती है ठीक है तो जो फ्रिक्शन होती है ये अपोज करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन दो सरफेस के बीच और जो फ्रिक्शन हमेशा वर्क करती है अपोजिट डायरेक्शन में और फ्रिक्शन जो होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को थोड़ा डाउन करते जाती है जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं बाईसाइकिल में जो ब्रेक पैड होते हैं ये टच करते हैं व्हील को ठीक है ब्रेक पैड टच इज़ दी व्हील ठीक है तो द तो एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एस आई यूनिट आपने रेजिस्टेंस का बताना है जोल एनर्जी का कूलम चार्ज का न्यूटन फोर्स का और रेजिस्टेंस का ओम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने बतानी है किससे मेजर करते हैं हाइग्रो फोटो एमीटर या एनिमोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो इस क्वेश्चन को हमने काफी बार किया है जो फोटोमीटर है उससे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट करते हैं ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन एन बॉडी कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज चार्ल्स आर्कीमीडिस बॉयल्स जहाँ तो न्यूटन तो ये सारा आरची मिडिस आता है रेजिस्टेंस का फिर से आ गया रिपीट ये क्वेश्चन आप खुद कर दोगे ओम इसका सही आंसर हो जाएगा द वेव विच कैन प्रोपोगेट इवन थ्रू द वैक्यूम जो वेव प्रोपोगेट करती है वैक्यूम के माध्यम से द वेव विच कैन प्रोपोगेट इवन थ्रू द वैक्यूम आर कॉल्ड मकैनिक रिवर्स इन्वर्टिड या ई एम वेव्स तो वो सही हो जाएगी आपकी ई एम वेब्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स वो डिस्कवर की थी सर विलियम हर्शल ने ठीक है तो ई एम इसका राइट right आंसर आपका हो जाएगा ये आपने याद रखना है नेक्स्ट बात करते हैं विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर तो विंड एनर्जी कन्वर्ट करती है डैश एनर्जी को मैकेनिकल में काइनेटिक केमिकल न्यूक्लियर या ग्रेविटेशनल तो जो काइनेटिक एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा इफ बी बटा आई अ कॉन्स्टेंट इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस कूलम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस तो जो बी बटा आई है ये कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका हो जाता है आपको ये क्वेश्चन डेली बेस पे शाम को आठ बजे जो आठ बजे अब मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक आपके कॉन्टिन्यू मैनर पर चलते हैं और संडे को आपका जो टेस्ट है वो किया जाता है ठीक है तो आज का ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हैं इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे अपडेट्स हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे बन द वॉट क्वी एन टू वन हार्स पावर तो वन हार्स पावर कितने वॉट के बराबर होते हैं अब बात करते हैं पावर का ऐसा यूनिट हो जाता है वॉट तो वन हार्स पावर होता है सेवन फोर्टी सिक्स वाट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर को हम किससे मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर्स मैनोमीटर माइक्रो या पायरो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफियर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा फॉलिंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मकैनिकल एनर्जी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे मोटर जनरेटर स्पीकर या हीटर ये आंसर की भी इसकी साथ में आपको मिल जाएगी अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में इतना ही